इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बिसेस इंफोटेक्निक्स, जिसका एक और नाम है एमपीएस इंफोटेक। इस कंपनी के बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ कि बिसेस इंफोटेक्निक्स और एमपीएस इंफोटेक के नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। आज भी जो बहुत से नए निवेशक आते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान से समझ लीजिए, बिसेस इंफोटेक्निक्स या एमपीएस इंफोटेक ये एक ही कंपनी का नाम है, नाम अलग अलग नहीं। दरअसल अलग अलग वेबसाइट पे कंपनी अलग अलग नाम से आते हैं। जैसे बीएससी की वेबसाइट पे कंपनी को आप एमपीएस इंफोटेक के नाम सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, वहां पर बिसेस इंफोटेक नहीं सर्च करना, इसलिए ये हम यहाँ पे क्लियर करना जरूरी था। अब समझिए, हम सभी जानते हैं कंपनी का हाल ही में क्वार्टर्स के नंबर आए हैं, नंबर ठीक ठाक आए हैं, तो नंबर जब ठीक आते हैं तो उसके बाद शेयर के प्राइस में तेजी यानी स्वाभाविक है। दूसरी बात, कंपनी जो काम करती है और कंपनी का जो फंडामेंटल है यानी कि वर्क प्लस फंडामेंटल, इसके हिसाब से भी कंपनी के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी ही आएगी, तो ये तेजी है, ये आप बात समझ गए। लेकिन जो अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में आपको बताना, वो ये कि बहुत से लोग यह जानते हैं जिसका पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है कि अभी इसमें जो है ट्रेडिंग सस्पेंडेड है। मैं इसका जो रीजन है आगे बताऊंगा, बस ये समझिए कि अभी जो इसमें है ट्रेडिंग नहीं हो रही है और जो नए निवेशक आ रहे हैं वो इस कंपनी के शेयर्स को, क्योंकि कंपनी में तेजी है, कंपनी ठीक ठाक है, तो बाई तो करना चाह ही रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें बाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रीजन यही है कि ट्रेडिंग इसमें सस्पेंडेड है। कब से इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी और कब से एक अच्छा खासा ग्रोथ भी इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, प्लस आप किस जगह पे इसमें एंट्री ले सकते हैं, कोई नया व्यक्ति यदि बाई करने आ रहा है तो बढ़ते हुए शेयर प्राइस को देख के तो कूदना नहीं है, एक सही लेवल का हमें पता करना होगा किस लेवल बाई या सेल कर सकते हैं, जो कि पहले से जिसके पास शेयर से उसी को बुक करना जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में समझेंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। बीएस इंडिया वेबसाइट पे तो आपको पता लगेगा बीएस इंफोटेक्निक्स लिमिटेड जो कंपनी है, जिसको एमपीएस इंफोटेक के नाम से भी जानते हैं, इसमें तेजी तो जबरदस्त देखने को मिली है आज के दिन में, तकरीबन 4.5% के आसपास तेजी है। लेकिन बगल में यह भी लिखा हुआ है कि सस्पेंडेड ड्यू टू पिनल रीजन। पिनल रीजन मतलब पेनाल्टी लगी है। किस चीज की पेनाल्टी लगी है इसको समझने के लिए यदि मैं यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि 16 अप्रैल 2024 से बीएससी ने कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग निलंबित कर दिया था। 16 अप्रैल 2024 से इसमें ट्रेडिंग बंद है। इसकी वजह है कि जो वार्षिक लिस्टिंग शुल्क होता है, यानी कि देखिए आप किसी भी एक्सचेंज में जब ट्रेडिंग करते हैं तो सालाना उसका कुछ फी देना होता है, वो फी एनुअल जो फी होता है कंपनी ने नहीं पे किया है, तो उस एनुअल फी को नहीं पे करने की वजह से इसमें जो है ट्रेडिंग फिलहाल बंद कर दी गई है। अब देखिए, कंपनी के पास ऐसा नहीं है कि इतना पैसा नहीं है कि एनुअल फी नहीं दे सकते। दरअसल ये सब गलती करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट सही नहीं होने की यही निशानी है। अरे भाई, जब प्रॉफिट हो ही रहा है कंपनी को, प्रॉफिट के पास जो पैसा आ रहा है, थोड़ी बहुत पैसा देके एनुअल फी भी पे कर दिया करो। इतने ऐसा भी तो नहीं है कि मतलब पे नहीं कर सकते, ये जानबूझ के ऐसी नौटंकी करते हैं कंपनी से चर्चा में आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। मैं आपको बताता हूँ कंपनी के जो अभी क्वार्टर्स के नंबर आए हैं, जब मैं आपको यहाँ पे क्वार्टर्स के नंबर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि नंबर्स ठीक ठाक आए हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा क्वार्टर्स के नंबर, और क्वार्टर्स के नंबर में सेल्स देखेंगे जो जून क्वार्टर की यानी कि इस साल के जो पहला क्वार्टर रिजल्ट आया, इसमें 12 लाख के आसपास कंपनी को सेल्स हुआ था। पिछले क्वार्टर से 1 लाख के आसपास ज्यादा हुआ था, लेकिन कंपनी के जो अदर बिजनेसेस हैं उससे कमाई कंपनी को हुई थी, और अदर बिजनेसेस से कमाई ज्यादा होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले प्रॉफिट, मतलब देखिए ये क्या है कि माइनस में है, तो माइनस में यहाँ पे कम होते हुए दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कंपनी के पास 1 करोड़ 10 लाख के आसपास कर्जा था, जो इस क्वार्टर में कम होकर सिर्फ 82 लाख के आसपास रह गया। ये कम कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया, प्रॉफिट का पैसा आया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में, इस वजह से कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया। तो कहने का मतलब है कि जो कर्जे को कंपनी ने यहाँ पे कम किया, थोड़े बहुत पैसे इसी में से यूज करके कंपनी का जो एनुअल लिस्टिंग फी होता है उसको पे कर दी होती कंपनी एनुअल लिस्टिंग फी को, तो अभी इसमें ट्रेडिंग चालू होता तो नए नए बायर्स इसमें और आते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट फेलियर का निशानी होता है, जो अपने काम ठीक से नहीं करते। इनको पूरा का पूरा फोकस है डेब्ट को जीरो करने में। डेब्ट को जीरो करने के बाद ये अगर ऐसा सोच रहे हैं कि एकदम जब डेब्ट फ्री हो जाएगी कंपनी, फिर हम इसको जो ट्रेडिंग है उसको मतलब रिन्यूअल करेंगे एनुअल फी चुका के, तो ये बहुत गलत हो, क्योंकि एनुअल फी एनुअल लिस्टिंग फी जो होता है ना, वो सिर्फ फी ही नहीं होता है, बल्कि उसमें आपको फी के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है हर एक साल का। तो यदि मान लीजिए 5 साल बाद ये करते हैं, हालांकि 5 साल तो टाइम नहीं लगता है, साल भर के अंदर हो जाता है, किसी न किसी क्वार्टर में हो जाएगा, तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट का पैसा भी देना होगा। ये बात इनको समझना चाहिए, हालांकि पता ही होगा समझना क्या चाहिए, जानबूझ के नोटिंग करते हैं। यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के पास अभी वर्तमान में जो डेब्ट है 30 करोड़ 94 लाख के आसपास है, जबकि वहीं पे आप देखेंगे कंपनी का जो रिजर्व पैसा है 53 करोड़ 84 लाख के आसपास। यानी कि कंपनी यदि चाहे तो इजीली एनुअल लिस्टिंग फी चुका सकती है, कंपनी के पास इतना अभी कैश फ्लो है। लेकिन कंपनी ये सोच रही है कि जब कंपनी एकदम प्रॉफिट में आ जाएगी, जिससे भी आपने देखा कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है,
हालांकि लॉस पहले के मुकाबले कम हुआ है, तो एकदम जब लॉस जीरो हो जाएगा और जीरो होने के बाद जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी उसके बाद उस पैसे का यूज करके एनुअल लिस्टिंग पे फी पे करेंगे, इनका अभी ऐसा सोचना है जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस कंपनी में आप देखेंगे 2% के आसपास प्रमोटर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि एकदम मतलब इसमें नील है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, इस वजह से इनका मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ऐसे काम कर रहा है। हालांकि प्रमोटर्स हैं तो उनको मैनेजमेंट को गाइड करना चाहिए कि नहीं भाई आप ठीक से काम करो, लेकिन प्रमोटर्स इतने कम है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दरअसल छोटी कंपनियों में यही दिक्कत होता है, मैनेजमेंट के हाथ में कहीं ना कहीं एक प्रकार से सर्वे सर्वा जिम्मेदारी होती है। तो बहरहाल जिसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स है उससे कुछ नहीं करना, उसको बस वेट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करके चलना है। रही बात दिक्कत उन लोगों के लिए आ रही है जो नए व्यक्ति हैं वो इस कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं कर पा रहे, तो आप वेट कीजिए, जब इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी तो मैं सही लेवल आपको बताऊंगा और वहां पर फिर आप बाय कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा। आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।